हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं 2 हफ्ते के बाद कोई वीडियोस बना रही हूँ। देखिए, बेबी कॉर्न इतने बड़े हो गए हैं और ये सब जो भी प्लांट्स हैं काफ़ी बड़े हो गए, क्योंकि मैं 2 हफ्ते के बाद अपने गार्डन में आज लौट रही हूँ। और इस बीच मैं यहाँ पे थी भी नहीं, बनारस में मैं रहती हूँ। मैं बनारस में नहीं थी, मैं लखनऊ गई थी, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी बीमार थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो भी आईसीयू में थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। इस बीच मैंने अपने पापा को भी खो दिया, अब वो नहीं रहे हमारे बीच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं गार्डन में कितनी ज़्यादा, मतलब मानसून के सीज़न में हरियाली भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी, मेरे पापा मतलब 2 वीक हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, बहुत क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश जारी रखी और मेरे पापा भी आखिरी समय तक लड़ते रहे और हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था। रोज़ मैं हम लोग सुबह जाते थे और रात में 12 बजे घर आते थे। वह आईसीयू में थे इस उम्मीद में कि शायद कोई रिकवरी हो, बट कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, उनकी कंडीशन ख़राब ही होती जा रही थी। और मेरे पापा 82 ईयर्स के थे, और वैसे तो मेरे पापा ठीक ठाक थे, बट 3 महीने पहले वो गिर गए थे, जिसकी वजह से वो बेड पे आ गए। उसके बाद उनका फ्रैक्चर भी हो गया था, उसकी भी सर्जरी हुई, और फिर उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया था। फिर वो हॉस्पिटल में गए, फिर 15 दिन हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, फिर घर आए, फिर 15 दिन के बाद फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर वो आईसीयू में थे। उसके बाद उनकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती गई और फिर रिकवरी वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो एज फैक्टर भी है, ऊपर से जो इन्फेक्शन था वो ठीक नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश हम लोगों ने की, डॉक्टर्स ने की, बट क्या कहा जाए, ऊपर वाला जो चाहता है वही होगा। शायद उनकी लाइफ इतनी थी, हमेशा तो मतलब जो पापा की कमी है वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, बस यादों में है पापा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं 2 हफ्ते बाद गार्डन में मैं आई हूँ और काफ़ी मतलब जो प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसको जहाँ समझ में आ रहा है अपना बढ़ रहा है, अपने हिसाब से चल रहे हैं सब पौधे। तो आज बहुत सारे मतलब कुछ ये देखिए, सब्जियों की भी हार्वेस्टिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, तो वहीं इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि इस बीच माइंड काम नहीं कर रहा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली आदमी परेशान था। मैं थी भी नहीं यहाँ पे, गार्डन में छोड़ के गई थी लखनऊ अपने पापा के पास। मैं 2 हफ्ते उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में ही मतलब हम लोगों ने बिताया है। रोज़ हम लोग जाते थे इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई रिकवरी हो, नहीं हो पा रही थी। बहुत डॉक्टरों ने कोशिश की, डॉक्टर ने तो बोल दिया था 1 हफ्ते पहले कि क्रिटिकल कंडीशन है, बट हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग घर नहीं ले जाएंगे पापा को, हॉस्पिटल में ही रखेंगे। तो बस फ्रेंड्स, मतलब मेरे पापा हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, अब यादों में ही है पापा। अब धीरे धीरे मैं भी लौट रही हूँ, मैं आप लोग को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दिखाती रहूँगी, क्योंकि ऐसा मतलब हो जाने के बाद मन भी कुछ नहीं करता है करने को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं सारे प्लांट्स कितने बड़े हो गए हैं, 2 हफ्ते में ही इतने बड़े हो गए हैं। जब कोई चीज़ प्लांट्स को आप रोज़ देखते हो तो लगता है वो नहीं बढ़ रहे हैं, जब इतने दिन मैंने इनको छोड़ दिया, जब मैं आई तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा सब बढ़ गए हैं। कुछ में बहुत मतलब फ्रूटिंग भी हो गई है, कुछ प्लांट्स इधर हैं, कुछ उधर हैं, मतलब जिसको जो समझ में आ रहा अपने हिसाब से बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे मैं अपने गार्डन में ध्यान दूंगी। तो फ्रेंड्स, बस इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लांट्स कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई, इतनी हार्वेस्टिंग भी हुई है, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
देखिए फ्रेंड्स, मैं भी ट्रेंड करती हूँ।